ये जादुई छड़ी कैसे आपके शरीर के 71 रोगों को दूर करेगी, जिनमें आपके गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, स्लिप डिस्क के दर्द, अगर किसी को ये काफ मसल पे दिक्कत है, एडी में दर्द होता है, इस तरीके के तमाम दर्द, नसें ब्लॉक हो गई हैं, किसी के सर्वाइकल का पेन है, या ये एल्बो के जो पेन होते हैं, अगर किसी के हाथ में दर्द है, किसी के रिस्ट में पेन है, यहाँ पे टेनिस एल्बो की दिक्कत हो जाती है, तो उनको कैसे करेंगे, उनको किस तरीके से हम दूर करेंगे, ये आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस छड़ी को, ये जो जादुई छड़ी मेरे हाथ में देख रहे हो, इससे धुआं निकलता हुआ आपको दिख रहा है, इसको हमें इस तरीके से कमर पे और गर्दन पे, स्पाइन पे, पूरे पे इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ घुमाना है। इस तरीके से क्या होगा, जो स्पाइन के हमारे 32 मनके हैं, उनको पूरी मसाज मिलेगी और पूरी गर्माहट मिलेगी। इसमें जो आप देख रहे हो जो ये है, इसमें कई तरीके की जड़ी बूटियां हैं जिनका ये धुआं निकल रहा है। उस धुएं से क्या होगा कि उन बीमारियों को दूर करने में मदद मिलेगी। जैसे अगर सर्वाइकल की दिक्कत है आपको, तो इस तरीके से गर्दन पे करने से सर्वाइकल का दर्द जो है, गर्दन का जो दर्द है, जैसे लोग मोबाइल पे काम करते हैं, गर्दन आगे झुका के काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके दूर होने लगता है, और इससे एक अच्छी सिकाई होती है और जड़ी बूटियों के धुएं का फ़ायदा मिलता है। अगर किसी के फ्रोजन शोल्डर है, किसी के कंधे में दर्द है, तो इस तरीके से आप कंधे पे करोगे तो कंधे का दर्द धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा। इस तरीके से करने से अगर किसी के और कोई दिक्कत आ रही है, शोल्डर में पेन आ रहा है, तो शोल्डर पे आप कर सकते हो। किसी के अगर आपके रिस्ट में पेन आ रहा है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस रिस्ट पे इसको घुमा के इस तरीके से धुआं देना है। कितनी दूरी पर रखना है? हाँ देखिए, अगर ये छड़ी आपके पास है तो इसे तो आप बॉडी से टच कर सकते हो, ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा दूर रख सकते हो, वरना इसको टच करना है जिससे इसकी गर्माहट भी मिले और धुएं का फ़ायदा भी मिले। इसी तरीके से रिस्ट पे पूरे पे करेंगे हम। टेनिस एल्बो के लिए हम इसको एल्बो पे करेंगे, और ये 3 से 4 मिनट तक आपको रेगुलर करना है, जिससे इसका फ़ायदा आपको रोज़ करने के से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसको घर पे कैसे करना है, इसमें अंदर ऐसा क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए हम चलते हैं इसको। अब अगर हमें काफ मसल में दिक्कत है, किसी के जैसे क्रैम्प पड़ते हैं, वाइटे आते बोलते हैं, दिक्कत आती है, एडियों में दर्द रहता है, तो इसके लिए इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अब ये जो आप देख रहे हो, अगर हम एडी में दर्द है तो हम एडी के लिए इस तरीके से करेंगे। अगर किसी के और स्पाइन से रिलेटेड दिक्कत हो, जो पैरों का ये वाला हिस्सा जो अंगूठे से लेके एडी तक रहता है, ये भी स्पाइन की तरह होता है, तो हम इस पे भी इसको करेंगे। इस तरीके से पूरे पे करेंगे, और इसके अंदर क्या है, किस तरीके से हमें करना है, ये मैं अब आपको बता दूं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने एक जड़ी बूटियों की ये डंडी लगा रखी है। अब ये डंडी अगर आपके पास घर पे नहीं है, तो आपने घर पे कैसे करना है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि आप देखोगे कि कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं, उसी का ये धुआं आपको यहाँ आगे निकलता हुआ दिख रहा होगा, वही धुआं था जो हमारी बॉडी को हील करने में, ट्रीटमेंट करने में फ़ायदा करता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको घर पे करना है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो देसी गाय के गोबर का एक छोटा सा उपला है, ये नीचे कपूर रखा हुआ है, इससे हमें क्या करना है, इसको सुलगा लेना है और धीरे धीरे उसको जलाना है। इस तरीके से आप देखेंगे हमको जला लिया है अच्छे से। फिर इस पे हम डालेंगे ये हमारा जो एक ऐसी चीज़ जो हमें घरों में आसानी से मिल जाती है, उसको हम डालेंगे। ये आप देख रहे हो ये अभी भी सुलग रहा है। इसको करने के बाद इसको अच्छे से, इसको बुझाना भी है तो सीधे पानी में डाल के या किसी भी तरीके से है आप इसको। ये आप देख रहे हो कि इस तरीके से एक अंडा यहाँ पे कपूर की वजह से सुलग चुका है। इस तरीके से हमें अपने इस कंडे को, ये इसी साइज के कंडे को लेना है, जैसे छोटा सा कंडा रहेगा तो आपका कपूर की वजह से अच्छे से सुलग जाएगा। फिर इसको क्या करना है, इस पर जब ये अच्छे से सुलग जाए, ये धुआं देने लगेगा, तब हम इस पर एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल होती है, और उससे हम धुआं देंगे। ये आप देख रहे हो हमने इसमें देसी गाय के गोबर के साथ देसी कपूर डाला है। इसको आप जो भी चीज़ अवेलेबल है आपके पास, उससे आप इसको जला सकते हो, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो कंडा रहे, ये देसी गाय के गोबर का रहे, जो भी उपला रहे वो देसी गाय के गोबर का हो। देसी गाय जो भी आपके घर के आसपास आसानी से अवेलेबल है, वो वाली गाय होनी चाहिए। और इसी के धुएं से फिर आप जो मैंने थेरेपी इस डंडी से करके दिखाई है, जादू छड़ी से करके दिखाई है, वो आप अपने घर पे इस उपले की मदद से कर पाएंगे। ये आप देख रहे हैं हमने इसको अच्छे से सुलगा लिया है।
और इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके अंदर आपने क्या डालना है ऐसा जो आपके जिसके धुएं से आपका इलाज होगा। ये आप देख रहे हो, ये आपके घरों में मिलने वाली अजवाइन है, इसको हमने